बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है मैं ठीक हूं, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि आप लोग भी खैरियत से हों। प्यारे व्यूवर्स, आज हम अपने प्यारे से किचन में बना रहे हैं शाही टुकड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी और आसान रेसिपी है। उसके लिए मैंने तकरीबन 2.5 लीटर दूध लिया था, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से पका लिया है हल्की आँच पर। काफ़ी देर तक तकरीबन वो आधा पौना घंटा पकता रहा है। 2.5 किलो से तकरीबन 2 किलो हो गया। उसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की और थोड़ा सा मीठा ऐड किया अपने टेस्ट के मुताबिक, और फिर मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड के मैंने लेके किनारे अलग कर लिए हैं, और किनारे अलग करके मैं फिर अब इनको एक एक करके हवा में थोड़ा सा खोल दूँगी ताकि इनमें से थोड़ी सी हवा निकल जाए। ये देखें, इस तरह से आपने खोल देने हैं और फिर इनको हम जो है तवे के ऊपर फ्राई करेंगे। और ये मेरे पास बादाम है ऊपर डालने के लिए, गार्निशिंग करने के लिए। आपके पास बादाम, पिस्ता जो भी हो आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। देखिए व्यूअर्स, मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है। ये देखें, मैंने तवे पे देसी घी, अगर आपके पास है, ये मैंने देसी घी ऐड किया है। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा। अगर दूसरा नहीं देसी घी तो आप दूसरे घी में भी कर सकते हैं, ऑयल में ना कीजिएगा। ये देखें, इस तरह मैं इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लूँगी सारी ब्रेड्स को, और इतना हमारी जो ब्रेड्स फ्राई होती हैं। आप जाएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, और प्यारे प्यारे कमेंट्स में आपके पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपका प्यार। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है वो फ्राई कर लिए थे। अगर आप चाहें तो इनको दरमियान में सैंडविच शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, मगर मैंने ब्रेड छोटी थी तो मैंने इसी तरह ही ब्रेड को सेट करके रख दिया है। अब आपने इसके ऊपर जो दूध है वो बहुत खुला डालने हैं, क्योंकि जो ब्रेड है वो सारा दूध जो है जज़ब कर लेती है अच्छे से अपने अंदर। तो ये देखिए, थोड़ी सी स्पेस खाली थी, मैंने इसके अंदर थोड़े से और टुकड़े डाल दिए हैं, और इसके ऊपर एंड में मैं जो है ये गार्निशिंग कर दूंगी। बादाम मेरे पास मौजूद हैं, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर मेरे रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।